पागल वागल तो नहीं हो गई? क्या करने जा रही थी तुम? ये पिकनिक मनाने आई हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं खुदकुशी कर रही हूँ? यार तो क्यों खुदकुशी कर रही हो? ऐसा क्या हो गया? क्यों कर रही हो खुदकुशी? पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? तुम कौन होते हो मेरे मामले में इंटरफेयर करने वाले? मैं जो मर्जी करूँ। यार देखो खुदकुशी हराम है, और तुम जैसी प्यारी लड़की इस वक्त यहाँ पर आधी रात को खुदकुशी, कोई तो वजह होगी। तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा। यार क्या हो गया ऐसा, तुम खुदकुशी करने जा रही हो? आधी रात का टाइम है और तुम इस तरह ऐसे बैठी हुई हो तैयार होकर, औरत जात होकर तुम खुदकुशी कर रही हो? यार अफसोस की बात है। तुम्हें क्या लेना देना मेरे मामले से, मुझे करने दो, मैं जो भी कर रही हूँ। यार इंसानियत के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है, मुझे बताओ क्या बात है, और सर तुम्हारी मैं हेल्प करूँ? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, एकदम से कैसे जा रही हो यार? तुम कैसे खुदकुशी कर सकती हो? तुम जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है अपनी? नहीं है तो? देखो मेरी बात सुनो, ऐसे बचपन वाला फैसला नहीं करते, तुम मेरे साथ यहाँ बैठो, मुझे अपने मसले के बारे में बताओ, उसका हल निकालते हैं। यार ऐसे खुदकुशी करके लाइफ क्यों जाया कर रही हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं जो मर्जी करूँ ये मेरी लाइफ है। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी जान दे रही हो, लेकिन कम से कम बताओ तो वजह क्या है, ताकि मैं पब्लिक को बता सकूं, दुनिया को बता सकूं। अब देखो तुम्हारा एक ही गवाह यहाँ पे तुम्हारे मरने का, मैं तुम्हारा गवाह हूँ। तुम यहाँ मेरे साथ गुस्सा नहीं करो, यहाँ बैठो मेरे साथ, यहाँ बैठ के बात करते हैं, अपना सारा मसला मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी हेल्प करने की। यार मैं जो करने आई हूँ मैं वही करूंगी, तुम अपना काम करो। अच्छा बात सुनो, ऐसे मत बचपना मत करो यार, यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ बैठो। देखो बच्चों की तरह बातें नहीं करो, ये कोई मर्दों वाला कोई जवानों वाला काम नहीं है तुम करने जा रही हो यहाँ पर, खुदकुशी कोई मजाक नहीं है। ओ रियली, मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें करके दिखाऊंगी। यार तुम क्यों मरने पे तुली हुई हो? तो देखो मेरी बात सुनो, मेरा नाम अली है। सो व्हाट, मैं क्या करूं? मैं छोटा सा एक डायरेक्टर हूं, छोटी मोटी फिल्में बनाता हूं। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर एक फिल्म लिखवा कर उसकी फिल्म बनाऊंगा, यार पब्लिक देखेगी, सोचो तुम कितना आगे जाओगी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये फालतू काम करने के लिए, अपने इस करियर को बिल्डअप करने के लिए तुम मेरा नाम यूज कर रहे हो? यार मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि रात के इस टाइम पे तुम यहाँ करने क्या आई हो? मैं यहाँ पिकनिक मना रही हूँ,
तुम्हें नजर नहीं आ रहा खुदकुशी कर रही हूँ मैं? तो यार क्यों कर रही हो? वही तो देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ज्यादा ज्यादा गुस्सा नहीं करो, मेरी बात सुनो। तुम जब मुझे बताओगी जब तुम्हारी फिल्म बनेगी तो मैं तुम्हारा नाम बड़ा करके लिखवाऊंगा, तुम्हारा नाम अलीशा। हाँ अलीशा, देखो मेरी बात सुनो, जरा बैठो, जरा बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं, देखो कोई मसले का हल निकालते हैं, बैठो। देखो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, तुम यहाँ खुदकुशी करने आई हो, मेरी बातों का गौर सुनो। मेरे पेज के ना फेसबुक पेज के 1.5 लाख से ऊपर फॉलोवर हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे लेटो, मैं तुम्हारी ना एक फैंटास्टिक सी मूवी बनाता हूँ मोबाइल से, उसके बाद फिर मैं वो अपने पेज पे लिखता हूँ कि ये लड़की रात आधी रात को यहाँ पर खुदकुशी करने आई है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसे खुदकुशी करने दूं या ना दूं। आर यू जोकिंग? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तो फिर क्या है यार, क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो, एक काम करते हैं बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फिर मैं थोड़ा तुमसे तुम्हारी कहानी पूछता हूँ उसके। आर यू जोकिंग? तुम्हें क्या लगता है कि मैं 4 बजे यहाँ पर आइसक्रीम खाने के मूड से आई हूँ? तो यार क्या करने आई हो? मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो मेरे घर वाले जबरदस्ती एक बुड्ढे के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। तो इसमें खुदकुशी करने की क्या बात है, मना कर दो घर वालों को। पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो सिंपल सी बात है, भाग जाओ उसके साथ, खुदकुशी क्यों कर रही हो यार? वो किसी और के साथ भाग चुका है। सॉरी, देखो मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। तुम लड़कों के लिए ये सब कुछ किसी लड़की की इमोशंस के साथ खेलना कितना आसान होता है ना, तुम लोगों को जरा भी एहसास होता है? देखो मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं चाहता था, लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ गई कि तुम जिसके लिए मर रही हो वो तुम्हें कंधा ही देने नहीं आया। ऐसे ऐसे इंसान के लिए जिंदगी जाया कर रही हो जिसका अपना ही कोई वजूद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये सब करना आसान है? आसान तो नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें रोकने आया हूँ यहाँ पर। लेकिन वैसे तुम्हारी कहानी में फिल्म बड़ी जबरदस्त बन सकती है, एक फैंटास्टिक सी फिल्म बन जाएगी, क्या पब्लिक, बहुत जबरदस्त लाइक्स आएंगे, बहुत जबरदस्त व्यूज आएंगे तुम्हारी स्टोरी पे। तुम्हारी पूरी टोटली जिंदगी इन फजूल की फिल्मों की डायरेक्शन में ही घुलकर रह गई है। तुम इतने फिल्मी हो कि तुम्हें किसी की इमोशंस भी फिल्मी लग रही है। मेरी जिंदगी कहानी ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, असल में जिंदगी से प्यार ही नहीं। क्या जिंदगी इतनी आसान नहीं है मैडम, मुझे भी तुम्हारी तरह जिंदगी से बहुत शिकायत है। मैं भी यहाँ आया था खुदकुशी करने के लिए, यू नो थोड़ा सा बुजदिल कर नहीं सका, अपनी जान लेते हुए डर गया था। आज वही खौफ मैं तुम में देख रहा हूँ, आधी रात है कोई भी नहीं है यहाँ। जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम यहाँ खुदकुशी कर रही हो तो सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तुम्हें जान से मार दिया। क्या हुआ मैडम जी, डर गई? इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी उसकी जिंदगी होती है। ओ अब ये मत बोल देना कि आई एम अ प्रैंक स्टार, तुम एक प्रैंक स्टार हो और तुम यहाँ पे मजाक कर रही थी। मैडम जी तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर ऐसे नहीं होती खुदकुशी, जिगरा चाहिए होता है। जाओ घर जाओ, घरवालों से माफी मांगो और उनको समझाओ बैठकर कि तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है, ठीक है? आधी रात में तुम्हारा फायदा कोई भी उठा सकता है, यहाँ पर चली थी खुदकुशी करने। देखो अगर मैं ना जाऊँ तो? बहुत शौक है तुम्हें जिंदगी बचाने का, अब अपनी जिंदगी बचा दो, अब अपनी जिंदगी बचाओ। अरे सुनो पागल, आई एम अ यूट्यूबर, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है, वो देखो हमारा कैमरा, अपनी तो शक्ल तो देखो तुम। बेवकूफ, रुको मैं अभी कैमरा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। कैसे कैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं।
गॉड, ये क्या? मैडम जी, आप समझ आया कि जिंदगी कोई मजाक नहीं है। हम समझते हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन खुदकुशी के बाद भी मरना पड़ता है। हम मरने के बाद भी पल पल मरते हैं। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। खुदकुशी के बाद इंसान हल पर मरता है। हम समझते हैं कि खुदकुशी करने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान मरने के बाद भी पल पल मरता है। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है।